शेर केलाय संजय ठाकूरच्या समवेत क्रिकेटला इथे खेळलाय. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग. और अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए, लोकल ट्रेन. जॉब पे जाता हूँ तो मैं ट्रेन से ही जाता हूँ, लोकल ट्रेन से जाता हूँ. तो आज मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगा कि मैं कैसे जाता हूँ जॉब पे, कैसे आता हूँ और क्या क्या होता है मेरे साथ. सो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ स्टेशन पर. 9 बजने वाला है, 9:04 में ट्रेन है. तो चलो चलते हैं, 10 मिनट बचा हुआ है तो जल्दी जल्दी भाग के जा रहा हूँ ताकि ट्रेन ना छूट जाए. सो चलो आज मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे जॉब पे जाता हूँ, कैसे आता हूँ और पूरा दिन क्या क्या होता है मेरे साथ. ट्रेन अभी नहीं आई है, आने वाली है. क्या टाइम हो रहा है? अभी है टाइम, 5-7 मिनट टाइम है. आज पूरा खाली है, आज सैटरडे है इसलिए आज खाली है, नहीं तो ये बहुत भीड़ रहता है. इसके लिए आज खाली, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खाली है, बाकी दूसरे जगह तो भीड़ है. पता नहीं इस पे क्यों खाली है. हाँ, वैसे आज सैटरडे है इसके लिए हो सकता है. तो इसमें देखो 8:54 हो रहा है और 9:04 में ट्रेन है मेरी, तो अभी आएगी. तब तक मैं वेट करता हूँ इधर कहीं बैठ के. अभी मैं कर रहा हूँ ट्रेन का वेट क्योंकि 9:04 में आएगी और आज खाली है पूरा. और इधर तो भीड़ है, पीछे थोड़ा भीड़ है, बट मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, उस पर पूरा खाली है. मतलब 1-2 आदमी बैठा हुआ है बस. तो अभी ट्रेन आएगी तब तक बैठा हूँ. और ये देखो ये हमारा बैग है, जो हैंड बैग मैं कैरी करता हूँ, लेके जाता हूँ. सो देखते हैं ट्रेन आएगी 5 मिनट के बाद और वेट करते हैं. आज लगता है आराम से जाऊंगा, सीट मिल जाएगी, मस्त एकदम बैठ के जाऊंगा ऐसा लग रहा है. गाइस मैं भी उतर गया हूँ और अभी यहाँ से जा रहा हूँ दूसरे ट्रेन पकड़ने के लिए. कितने भीड़ थी देखा ना आपने. सो गाइस मुझे जाना है उस वाले प्लेटफॉर्म पे जो इसके नीचे है, इस पे आएगी मेरी वाली ट्रेन, इस पे आएगी. तो यहाँ से जाना है और देखो इधर कितनी भीड़ है. तो दोस्तों मैं अभी दूसरी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आएगी दूसरी वाली ट्रेन 9:41 में है, बट एक और प्लेटफॉर्म नंबर 4 है जिस पे हमेशा आती रहती है, जैसे कि अभी देख सकते हैं ये आ गई, बट इसमें इतनी भीड़ रहती है मैं जा नहीं पाता हूँ. तो मैं ये हमेशा छोड़ देता हूँ, इस पे जाता ही नहीं मैं, 4 नंबर से मैं जाता ही नहीं. तो 3 नंबर पर आएगी 9:41 पर है, तो उससे जाऊँगा मैं. और उसका टाइमिंग अभी 9:41 पर आएगी, तो मैं वेट कर रहा हूँ फिलहाल. बट इसमें तो बहुत भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मतलब चढ़ नहीं सकते. सो इससे मैं कभी नहीं जाता. देख सकते हो कितनी भीड़ है, चढ़ने वाले कितने ज़्यादा हैं. आ गई मेरी वाली ट्रेन, आ गई मेरी
खाली वाली ट्रेन आ गई, इसमें भीड़ नहीं रहेगा। जितने भी लोग हैं अंदर सब खाली कर देंगे, मतलब सब बाहर निकल जाएंगे। लास्ट स्टॉपेज था, अब यहाँ से फिर यहाँ से निकलेगी ये वापस जाएगी, तो इसके लिए इसमें भीड़ नहीं होता है। खाली है भाई पूरी, और इस पे बैठ के जाओ या सो के जाओ कोई टेंशन नहीं है, बट मैं खड़ा होकर जाता हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना है। एक ही स्टेशन है जिसके लिए मुझे दो ट्रेन पकड़नी पड़ती है। सो गाइस, दूसरी ट्रेन मिल गई है और एक ही स्टेशन है, मतलब 5 मिनट लगता है फिर यहाँ से, तो मैं बैठने के लिए नहीं जाता हूँ, खड़ा ही जाता हूँ क्योंकि 5 मिनट के लिए क्या बैठना है, फिर और उतरना भी आता है। तो ये दूसरी ट्रेन है और इसके बाद फिर एक और बस पकड़नी पड़ेगी, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। सो गाइस, मैं आ गया हूँ बाहर, दूसरी ट्रेन से मैं बाहर निकल गया और आ चुका हूँ बाहर। अभी जा रहा हूँ ऑटो पकड़ने के लिए या बस पकड़ने के लिए, मतलब ऑटो भी मिलती है बस भी मिलती है, दोनों में से कोई एक मिलेगा, जो मिलेगा मैं पकड़ के फिर ऑफिस। तो दोस्तों, मैं बस से बाहर निकल गया और यहाँ से लगेगा 2 मिनट और, थोड़ा रोड क्रॉस करना है ये और उसके बाद ऑलमोस्ट पहुँच जाऊँगा मैं। सो गाइस, मैं लिफ्ट में हूँ और थर्ड फ्लोर पे जाना है। यार, थर्ड फ्लोर पे उतरना था, मैं गलती से कैमरे के चक्कर में, ब्लॉक के चक्कर में मैं 2 नंबर पे उतर गया, सेकंड फ्लोर पे। अभी मैं स्टेयर केस से जा रहा हूँ थर्ड पे, पर कोई बात नहीं, एक ही फ्लोर है और मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ अपने ऑफिस के बिल्डिंग में, यहाँ पे मेरा ऑफिस है और अभी आपको मिलता हूँ बाद में, क्योंकि मैं यहाँ पे शूट नहीं कर सकता। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ स्टेशन पे वापस, ऑफिस से मैं 6:30 बजे निकला हूँ और फिर वहाँ से बस पकड़ा, टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं बस पकड़ के अभी आ गया हूँ स्टेशन के पास और पहला ट्रेन पकड़ने के लिए, तो अभी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। एक दो ट्रेन निकली है बट मैं उसको छोड़ दिया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं छोड़ दिया, तो दूसरी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा खाली मिलेगा, फिर मैं उसमें जाऊँगा। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अभी दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए और वेट कर रहा हूँ। मेरे आने से पहले ट्रेन निकल चुकी है क्योंकि लगी हुई थी,
और मैं भीड़ में उधर फंस गया था। तो अभी दूसरी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक आती है। सो गाइस मुझे ट्रेन मिल गई है और बैठने का सीट भी मिल गया। सो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर, स्टेशन से बाहर, और अभी जा रहा हूँ। यहाँ से 5 मिनट लगेंगे हमको पहुँचने में जहाँ पर रहता हूँ मैं। और रास्ते में दिखाता हूँ, मैं रास्ते में क्रिकेट चालू है यहाँ पे, छोटा सा मतलब छोटा नहीं बड़ा ही है ग्राउंड है, और यहाँ पे हमेशा क्रिकेट होता ही रहता है। तो अभी रात हो गया है ऑलमोस्ट और यहाँ पे क्रिकेट चालू है, कोई टूर्नामेंट चालू है, तो अभी चल रहा है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। ये देखो गाइस यहाँ पे क्रिकेट चालू है और काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, काफ़ी अच्छा है, पूरा लाइट वगैरह सब चालू है, देख सकते हो। और ये अंदर में लोग देख रहे हैं, अंदर मैं भी जा सकता हूँ बट वहाँ से जाना पड़ेगा, तो मैं ट्राई करता हूँ अंदर जाने का। सो यहाँ से अंदर जा सकता हूँ मैं, मैच का मुआयना कर सकता हूँ। यहाँ पे खाने पीने के लिए भी कुछ है, ऑलरेडी बिक रहा है अंडा वगैरह, देखो ये मैच चालू है अच्छा से, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा मैच है, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है, काफ़ी अच्छे से ग्राउंड को सफाई किया है इन लोगों ने, लाइटिंग वाइटिंग अच्छा है काफ़ी। कहाँ कहाँ से हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे, और कौन सा टूर्नामेंट है वो भी कुछ समझ के बाहर है क्योंकि बोर्ड वहाँ पर दिख नहीं रहा है। और ये 2 रन, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। संजय टाकूरच्या समोर विकेट नाही घेतला, एक मध्ये फिल्डिंग चांगली होती, फक्त सिंगल कंप्लीट झाली, आणि या सिंगल नंतर आता दीपची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्ड होते। तो दोस्तों मैंने देख लिया है एक दो बॉल और मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है लैंग्वेज, तो इसके लिए, और कहां कहां से हो रहा है अभी मुझे पता नहीं, तो मैं आ गया वापस। सो गाइस मैं फाइनली पहुंच गया और अब जा रहा हूं मैं कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि मैं कपड़ा सुबह डाल के गया था बकेट के अंदर, उसको धोऊँगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।